जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक और वैकेंसी निकल के आई हुई है जो कि हेड क्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ में वैकेंसी निकल के आई हुई है। साथियों, जो हेड क्वार्टर सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल है आर्मी का है, ये लखनऊ में पड़ता है साथियों, तो उसमें ये वैकेंसी आई हुई है। हेड क्वार्टर कमांड लखनऊ में वैकेंसी आई हुई है साथियों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, फुल डिटेल इस वीडियो में बताएंगे साथियों। थोड़ा आवाज़ साथियों स्लो हमारा जा रहा है, इसका कारण है साथियों कि हमारा थोड़ा तबीयत ख़राब है, सर्दी और खांसी है, लेकिन फिर भी सारा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा साथियों। तो साथियों, शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, अभी आप लोग को शॉर्ट नोटिस दिखाऊंगा साथियों, और सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा साथियों। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा साथियों, वीडियो स्किप मत करिएगा साथियों, नहीं तो समझ नहीं आएगी साथियों। तो साथियों, आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ साथियों। तो साथियों, आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाने जा रहे हैं जो कि हेड क्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ में वैकेंसी निकली हुई है साथियों। तो आप लोग को बता दें साथियों, पोस्ट जो निकला है हेल्थ इंस्पेक्टर और वाशरमैन का है साथियों, दो पोस्ट निकला है, टोटल वैकेंसी 47 वैकेंसी है साथियों। अब आप लोग को बता दें, ये फार्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा साथियों। तो शॉर्ट नोटिस आ गया है, संभावित तिथि जो है साथियों 30/7/2022 से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा साथियों। संभावित तिथि है, जैसे कंफर्म तिथि आती है तो वैसे मैं अगला वीडियो तुरंत बनाऊंगा साथियों, लेकिन जहां तक ये कंफर्म है कि 30 तारीख से भी ऑफलाइन इसका स्टार्ट हो सकता है साथियों। जैसे स्टार्ट हो जाएगा तुरंत वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे साथियों। तो बता दें साथियों, फार्म अप्लाई डेट जो है 30/7/2022 से, फार्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है 12/9/2022 है साथियों। एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी योग्यता क्या मांगा गया है साथियों, तो हेल्थ इंस्पेक्टर में 10वीं पास होना अनिवार्य है, 10वीं पास के साथ साथ साथियों सेंट्री इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए साथियों, यानी एक कोर्स होता है ये भी साथ में होना चाहिए हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए साथियों। और दूसरा जो पोस्ट है साथियों वाशरमैन का है, वाशरमैन में 10वीं पास होना जरूरी है साथियों, प्लस साथ में मिलिट्री हॉस्पिटल का जो कपड़ा होता है साथियों उसको साफ करने का भी अनुभव आना चाहिए थोड़ा बहुत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है साथियों। और साथियों बता दें, एग्जामिनेशन फीस जो लगेगा, परीक्षा शुल्क जो लगेगा 100 रुपया लगेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया लगेगा, जो कि पोस्टल आर्डर के थ्रू लगेगा साथियों। पोस्टल आर्डर जो होता है डाक पे मिलता है साथियों, और एसी एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट का 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री है साथियों। और साथियों बता दें, एज काउंट की बात करें तो लास्ट डेट से जोड़ा जाएगा साथियों। कैटेगरी हेल्थ इंस्पेक्टर, जो साथी हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए भरेगा तो जनरल में 18 से 27 वर्ष का कैंडिडेट हेल्थ इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकता है, ओबीसी के कैंडिडेट 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट हेल्थ इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकता है, एसी और एसटी के कैंडिडेट 18 से 32 वर्ष के कैंडिडेट हेल्थ इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकता है साथियों। वाशरमैन में जनरल का कैंडिडेट 18 से 25 वर्ष का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ओबीसी का कैंडिडेट 28 से 28 वर्ष तक का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एसी और एसटी का कैंडिडेट वाशरमैन में 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है साथियों। और बता दें साथियों आप लोग को, पोस्टल आर्डर एड्रेस, यानी जो आप लोग पोस्टल आर्डर लेंगे उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता है साथियों, इन फेवर ऑफ कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल सेंटर कमांड लखनऊ में आप लोग को ये एड्रेस लिखना है साथियों। और साथियों बता दें, हेड क्वार्टर जो सेंटर ऑफ एग्जाम जो कराएगा साथियों लखनऊ में ही कराएगा साथियों, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है साथियों।
तो 30 तारीख को इसका जहाँ तक संभावित डेट है कि 30 तारीख से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा साथियों। और बता दें साथियों, हेड क्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ वैकेंसी डिटेल बता दें आप लोग को। हेल्थ इंस्पेक्टर में जो वैकेंसी निकला हुआ है 17 पोस्ट है साथियों। वाशरमैन में जो वैकेंसी निकली हुई है 26 पोस्ट है। और साथियों बता दें, डॉक्यूमेंट रिक्विर्ड यानी डॉक्यूमेंट आप लोग को फार्म के साथ क्या क्या संकलन करना है साथियों, ये आप लोग को बता दें साथियों। आप लोग को सेंड द फार्म बाई रजिस्टर्ड पोस्ट एंड स्पीड ओनली। आप लोग को जो फार्म भरेंगे साथियों, फार्म छोड़ेंगे डाक द्वारा छोड़ेंगे, जो कि आप लोग रजिस्ट्री करेंगे या स्पीड पोस्ट करेंगे साथियों, सदाए डाक द्वारा नहीं भेजना है। आप या रजिस्ट्री करिए या तो आप स्पीड पोस्ट द्वारा भेजिए साथियों। और साथियों आप लोग को बता दें, 10वीं पास 12वीं पास सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो संकलन करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 10वीं 12वीं का आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है साथियों स्वयं अपने से प्रमाणित करना, यानी जो भी आपका नाम होगा वही अपना हस्ताक्षर करना, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोला जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ओबीसी में, जो भी कास्ट आप लोग का जाति प्रमाण पत्र होगा वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए साथियों। 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। और साथियों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। डोमोसाइल परमानेंट एड्रेस है, डोमोसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र साथियों, जो भी आप लोग का निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होगा वो भी सेल्फ अटेस्टेड होगा साथियों। और फार्म सेंडिंग एड्रेस यानी आप लोग को फार्म जो भर कर कहाँ भेजना है साथियों, ये भी बता दे रहे हैं। फार्म सेंडिंग एड्रेस्ड टू द कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ यूपी, जो कि पिन कोड है 22600 2 यानी 226002, इस पर ये पिन कोड है साथियों। एड्रेस आप लोग को बता दिए। और साथियों बता दें, हेड क्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ में जो सिलेक्शन प्रोसेज है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ साथियों। जो सिलेक्शन प्रोसेज यानी आप लोग का पहले रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद साथियों ट्रेड स्केल यानी ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद साथियों मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा साथियों। आप लोग को बता दें साथियों, किस बेस पर यानी रिटर्न रिटर्न एग्जाम होगा, तो 10वीं लेवल का आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। और साथियों बता दें, आप लोग को निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर यानी साथियों आप लोग को परीक्षा में जो आ रहा है वही क्वेश्चन करना है, अन्यथा नहीं करना है, नहीं तो निगेटिव मार्किंग भी है यानी आप लोग का गलत होगा तो जो सही होगा उसमें से भी नंबर काट लिया जाएगा साथियों। तो जो क्वेश्चन सही है आप लोग को पता है कि ये सही है, उसी को आप लोग हल करिए, नहीं तो अन्यथा मत करिएगा साथियों। और साथियों बता दें, आप लोग को क्वालिफाई करना है, जैसे अगर जो कैंडिडेट जनरल में 35% मार्क ला देता है वह रिटर्न क्वालिफाई करेगा। एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट 33% लाएगा तभी रिटर्न क्वालिफाई करेगा साथियों। तो साथियों जैसे फार्म ऑफलाइन कंफर्म डेट आ जाता है वैसे जस्ट ही इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा साथियों। तो वंशिका आलजाद हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वैकेंसी आए तुरंत इस चैनल के माध्यम से पता चले। तो साथियों ये फार्म अप्लाई डेट जो था 30/7/2022 संभावित तिथि था, जहाँ तक उम्मीद है 30 से भी ऑफलाइन स्टार्ट हो सकता है साथियों। तो साथियों जैसे वैकेंसी आएगी तुरंत इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। तो वंशिका आलजाद हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। धन्यवाद।